अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखानों को वसी रखे और आपको बेहिसाब अपने रिस्क से नवाजे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसका नाम है लच्छेदार गार्लिक पराठे। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले लच्छेदार पराठे का डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप वीट का आटा और 1 कप मैं ले रही हूँ मैदा। इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। इसके अंदर हम गार्लिक पाउडर ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब हम पराठा बनाएंगे तो हम फ्रेश गार्लिक का पेस्ट भी बनाएंगे अभी। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। इसको हम वार्म वाटर से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये हमारा डो तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको हम रख देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कवर करके। मैंने फ्रेश गार्लिक लिया है तकरीबन 8 से 10 जो है। जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है हम फ्रेश गार्लिक को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमने गार्लिक सारा श्रेड कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और हम इसमें ऐड करेंगे बटर तकरीबन 3 टीस्पून। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बटर को थोड़ी देर माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया है तकरीबन 20 सेकेंड्स के लिए। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बटर चिली गार्लिक पेस्ट जो है वो रेडी है। इसको हम पराठों के अंदर लगाएंगे। बड़े बड़े इसके पेड़े ले लेंगे। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं लेने और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं लेने। ये देखिए हम इस तरीके से इसके पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा हमने खुश्की ऊपर लगाई है आटे की। ये देखिए इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। इसके अंदर हम गार्लिक का अपना पेस्ट लगा रहे हैं।
और इसको अब हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इससे लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं, जिससे हम जो लच्छेदार पराठे होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। ये देखें, और अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। और दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कर लेंगे, क्रिस्पी, ताकि ये खूब क्रिस्पी सा हो जाए। और ये तकरीबन जो है वो रेडी है। लच्छेदार पराठे तैयार हैं। अभी मैं इनको सर्व कर रहे हैं हरी चटनी और अचार के साथ, और ये बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप इनके लेयर्स भी देख सकते हैं, ये देखिए। बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पाक परवरदिगार का ज़रूर शुक्र अदा कीजिएगा जिसने हमको इतनी सारी नेमतों से नवाजा। बहुत शुक्रिया।